वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपूर्वा फैशन। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ दो साड़ी का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने मीशो से परचेस किया है। अगर आपको ना पता हो कि मीशो क्या है तो मैं बता दूँ, मीशो इंडिया का नंबर वन रिसेलिंग ऐप है जहाँ से आप खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं एंड वहाँ से आप रिटेलिंग करके अर्निंग भी कर सकते हैं। वहाँ पर शेयर करने के कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उनके थ्रू शेयर कर सकते हैं एंड आप वहाँ से रिसेलिंग एंड अर्निंग कर सकते हैं। एंड वहाँ पे के जो सेलर होते हैं वो काफी कम प्राइस में प्रोडक्ट को कोट किए होते हैं जिससे वो आपको काफी कम प्राइस में मिल जाती है एंड आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाती है। एंड अगर आप किसी को रिसेलिंग करना चाहते हो तो आप उसमें अपना मार्जिन एड करके आप उन्हें उसे रिसेलिंग घर बैठे कर सकते हैं। एंड वहाँ पे आपको कई सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ऐसा वहाँ पे मेन वुमेन किड्स एंड सभी के लिए वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड अगर आप करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली आप कर सकते हो। एंड सो हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें एंड प्रेस करके उसे ग्रे कर दें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट साड़ी के बारे में, वो है ये आप देख सकते हैं, ये है ब्लैक कलर की साड़ी है एंड ये है ऑर्गेन्जा फैब्रिक की साड़ी है। मैंने इस फैब्रिक के बारे में काफी ज्यादा सुना था, मैंने इस फैब्रिक का एक भी साड़ी अभी तक परचेस नहीं किया है। मैंने काफी सारे यूट्यूबर को देखा है कि वो लोग इस साड़ी का मतलब ऑर्गेन्जा फैब्रिक साड़ी का काफी ज्यादा रिव्यू वो लोग करते हैं, काफी अच्छा होता है। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इसे मंगवाया है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। देखते हैं ये कैसी है। ये थोड़ी हार्ड साइज का कपड़ा है एंड काफी पतला, काफी महीन, जैसे नेट होता है, बस नेट नहीं है बट काफी पतला सा, काफी महीन सा है एंड इसकी जो इस कपड़े में ना काफी अच्छी डिजाइनिंग है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आई होप आपको दिखला होगा। एंड यहाँ पे ऐसे रोज बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। आपको पूरी साड़ी में ऐसे ब्लैक कलर की साड़ी है एंड पूरी साड़ी आपको ऐसे प्लेन मिल जाएगी एंड उस इसमें आपको सब सभी जगह बस ये प्रिंट मिल जाएगा। आपको ये रोज फ्लावर के प्रिंट आपको पूरी साड़ी में ऐसे मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। एंड इसका जो फैब्रिक है फ्रेंड्स, ये काफी काफी सॉफ्ट तो नहीं है, हाँ थोड़ा हार्ड है बट हाँ ये काफी सी थ्रू है, काफी महीन सा है, ये आप देख सकते हैं। एंड इसपे जो ये प्रिंट हुआ है ये भी काफी अच्छा लग रहा है, ये साड़ी देखने में काफी सुंदर लग रहा है, काफी अच्छा। मैंने जब इसकी इमेज जो मैंने जब मीशो पे देखी थी तो मुझे ये साड़ी काफी अच्छी लगी थी बट इसका जो ये जो कपड़ा है ना, ये अगर आप साड़ी काफी अच्छी तरह से वेयर करने आपको आती है तभी आप इस साड़ी को वेयर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते क्योंकि ये काफी साड़ी पहनने में ना काफी मतलब प्रॉब्लम होती है। ये जो तो जो इसका कपड़ा जो हार्ड है ना, तो इसलिए ना हमें जो कपड़ा हम जब साड़ी वेयर करते हैं तो ये काफी फुला फुला सा एंड काफी मतलब कि अनकंफर्टेबल हमें लगता है। सो मुझे ऐसा लगा, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है। एंड अगर आपको अगर सही लगे तो आप डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो एंड ये काफी अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है बट अगर आप पहन सकते हो ऐसी साड़ी मतलब पहनने में आपको अगर कंफर्टेबल हो सो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं। एंड इसका जो फ्रेंड्स प्राइस है वो 500 to 600 के अंदर है। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, मैं इस साड़ी को वेयर करूंगी सो आप देख लीजिएगा आपको कैसी लगती है। एंड अगर आप साड़ी को अगर परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। मुझे थोड़ी सी
अनकंफर्टेबल लगी बस, और ऐसे तो सही है, बस थोड़ी अनकंफर्टेबल मुझे लग रही थी पहन वेयर करने के बाद। फ्रेंड्स इस ये है ब्लाउज, इसमें आपको ये ऐसे प्लेन चंदेरी सिल्क का कपड़ा मिल जाता है, ये आपको 80 सेंटीमीटर मिल जाती है एंड ये आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सेकंड साड़ी के बारे में, ये है सेकंड साड़ी, ये आप देख सकते हैं, ये है नेट की साड़ी। ये साड़ी मैंने बहुत बार मैं मीशो पे मैंने इस साड़ी को देखा एंड मेरा ये साड़ी लेने का काफी मन था, बट मैं नेट की साड़ी उतनी नहीं पहनती सो इसलिए मैं नेट की साड़ी ही नहीं ले रही थी, बट मैंने सोचा कि नहीं मुझे अच्छी लग रही है मुझे लेना है सो इसलिए मैंने इस साड़ी को परचेज किया है एंड ये साड़ी तो मुझे काफी अच्छी लगी। इस साड़ी का जो कलर है एंड ये साड़ी का जो डिजाइन है, इसका जो नेट है ये भी काफी अच्छा है। सो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये आपको स्टार्टिंग में ऐसे आपको नेट मिल जाती है। ये ग्रे कलर की साड़ी है एंड इसका जो कपड़ा नेट है ये सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, क्योंकि अगर हार्ड होता है ना सो हमें एक साड़ी वेयर करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सो इसलिए ये सॉफ्ट है, इसलिए ये पहनने में काफी कंफर्टेबल रहेगी एंड काफी लाइट वेट रहेगी। सो देखते हैं एंड ये स्टार्टिंग में आपको नीचे से ऊपर तक ऐसे प्लेन मिल जाएगी एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे यहाँ पे बूटे छोटे छोटे बूटे मिल जाएंगे एंड नीचे की साइड आपको ऐसे बॉर्डर मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो, ये आपको ऐसे पूरी साड़ी में ऐसे नीचे की साइड बॉर्डर एंड आपको ये बूटे बूटा बना हुआ मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। एंड जब ऊपर के साइड, ये आपको ऊपर के साइड में ऐसे बॉर्डर एंड नीचे के साइड भी आपको ऐसे बॉर्डर एंड बूटा, यहाँ पे आपको पूरी पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे बूटा मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। एंड ये साड़ी की जो इसका जो ये वर्क है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पल्लू है, पल्लू साइड है, इसमें आपको ऐसे टैसल लगे हुए मिल जाते हैं, 1, 3 टैसल लगे हुए हैं इसमें, ये इसमें 3 टैसल, इसमें ये इसका जो बॉर्डर है, इसका जो थ्रेडवर्क है ये काफी इसमें थ्रेडवर्क हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एंड इसका जो बूटा है इसमें आपको हर्ट ऐसे मिल बना हुआ है, इसमें बूटा में ऐसे हर्ट बना हुआ है गोल्डन एंड पिंक कलर से, ये ऐसे बना हुआ है एंड इसका जो इसमें ऐसे पाइपिंग भी लगी हुई है पिंक कलर की एंड इसका जो थ्रेडवर्क है ये काफी ज्यादा फिनिशिंग से हुआ है, कहीं से भी कोई भी धागे वगैरह कहीं से भी नहीं निकले हैं एंड ये साड़ी पहनने में भी काफी कंफर्टेबल रहेगी एंड ये काफी अच्छी है, काफी लाइट वेट साड़ी है सो इसलिए ये साड़ी मुझे काफी अच्छी लगी। एंड फ्रेंड इसका जो प्राइस है ये 500 to 600 के अंदर है एंड आपको एग्जैक्ट प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी सो आप देख लीजिएगा। एंड अब बात करते हैं इसके ब्लाउज के बारे में, सो इसका ब्लाउज भी फ्रेंड्स काफी अच्छा है पिंक कलर का, आपको जिस कलर की इसका जो पाइपिंग है उस कलर का आपको इसमें ब्लाउज मिल जाती है, ये फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं। एंड इसमें आपको यहाँ पे स्लीव्स के लिए भी यहाँ पे आपको बॉर्डर मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं, स्लीव्स के लिए भी यहाँ पे आपको बॉर्डर मिल जाती है एंड यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं, आपको पूरे कपड़े में ऐसे छोटे छोटे बूटे मिल जाएंगे, आप बैक साइड में या फ्रंट साइड में आप बूटा ऐसे डलवा सकते हैं, अच्छा लगेगा। एंड अगर आप चाहो तो आप इसे फ्रंट में भी डलवा सकते हैं एंड अगर आप चाहो तो ये बॉर्डर जो है वो स्लीव्स के लिए मिले, आप स्लीव्स में डलवा सकते हैं एंड काफी अच्छा है। एंड इसका जो फैब्रिक है फ्रेंड्स ये भी अच्छा ही है, चंदेरी सिल्क का इसका फैब्रिक है, ये आप देख सकते हैं एंड शाइनिंग भी है इसमें, अच्छा है इसका क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छी है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।